इस वीडियो में हम लोग ऋतु हरितकी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग भाव प्रकाश निघंटू का ये श्लोक देखते हैं, जिसमें ये लिखा है कि ऋतु हरितकी सिंधु तस् शर्करा शुंठी कड़ा मधु गुड़े क्रमात् वर्षाद विष अभया प्राश्या रसायन गुड़े सिड़ा। इसका अर्थ ये हुआ कि अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग अनुपान के साथ सेवन करने से हरितकी रसायन के समान गुणकारी होती है। जैसे आपका जैसे छः ऋतु हैं, वर्षा, शरद, हेमंत, ठीक, ये आपका विषर काल की ऋतु हैं। उसके बाद आदान काल की ऋतु है जैसे शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, ठीक है। इसमें अनुपान हम क्या करेंगे, हरितकी के साथ क्या अनुपान करेंगे, तो इसमें वर्षा ऋतु में सैंदलवण, ठीक, उसके बाद शरद में शर्करा, हेमंत में शुंठी, शिशिर में पिपली, वसंत में मधु, ग्रीष्म में गुड़ के साथ हरितकी का सेवन करेंगे। तो इस तरह हम लोग देखा कि ऋतुओं के अनुसार हरितकी के साथ किस द्रव्य का अनुपान करेंगे। अब हम लोग जैसे कि आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि जो ऋतु हरितकी है उसका महत्व क्या हो सकता है, इसका महत्व क्यों हम लोग गुड़ के साथ ग्रीष्म ऋतु में और ये आपके शर्करा के साथ शरद ऋतु में हम लोग हरितकी का सेवन करते हैं। तो जैसे कि पहले सबसे पहले सब समझते हैं कि ऋतु के परिवर्तन के साथ साथ हमारे शरीर में परिवर्तन होता है। क्यों परिवर्तन होता है कि उस समय हम लोग जैसे कि क्योंकि जो भिन्न भिन्न ऋतु हैं उसमें भिन्न भिन्न दोषों का संचय प्रकोप होता है, जैसा कि हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते आ रहे हैं। तो वर्षा ऋतु में पित्त का संचय व पात का प्रकोप होता है तथा जठरांगनी मंद रहती है। तो इस ऋतु में क्या करते हैं कि हरितकी को सैंधव लवण के साथ सेवन कराते हैं, यानी अनुपान के रूप में सैंधव लवण लेते हैं। तो इससे दो फायदे होते हैं, पहला क्या कि वात का अनुलोमन होगा, दूसरी जठराग्नि दीप्त होगी, क्योंकि लवण है भाई, उसका स्वभाव है, ठीक है, अग्नि को बढ़ाना, जठराग्नि दीप्त होती है और वात का अनुलोमन भी करेगा। अब शरद ऋतु में क्या है कि जो पित्त संचय हुआ है वर्षा ऋतु में, उस सूर्य की किरण से जो पिघल कर वो क्या करेगा, प्रकोपित हो जाएगा। पित्त के प्रकोप के कारण जैसे कि बहुत सारे रोग जैसे त्वचा रोग हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हरितकी के साथ हम लोग शर्करा का पान कराते हैं। तो शर्करा के साथ अनुपान कराने से क्या होगा कि हरितकी का कि जैसे कि प्रकोपित पित्त क्या होगा, थोड़ा कुछ समय के लिए शांत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम लोग देखते हैं हेमंत और शिशिर ऋतु में। तो हेमंत और शिशिर ऋतु में तो स्वभावतः वातावरण में जैसे कि शीतलता अधिक होती है तो उसमें कफ का संचय होता है। तो इन ऋतुओं में श्वसन प्रणाली से संबंधित या स्वतंत्र से संबंधित रोगों का होने की आशंका बहुत ज़्यादा रहती है, संभावना बहुत अधिक रहती है। तो जैसे श्वास कास हो गया, ये सब होने की इस ऋतु में संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो इस ऋतु में हम क्या करते हैं कि हरितकी को सुंठी या सुंठी हेमंत ऋतु में सुंठी के साथ और शिशिर ऋतु में पिपली के साथ सेवन कराते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो इस ऋतु में स्वभावतः होने वाले रोग हैं उनकी संभावना होने की संभावना कम हो जाती है। तो अब हम लोग देखते हैं वसंत ऋतु। तो वसंत ऋतु जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आदान काल का दूसरा ऋतु है, ठीक है, इसमें बल मध्यम होता है और पूर्व ऋतु में क्या है कि कफ का संचय अधिक होता है, उस समय आहार विहार ऐसा होता है कि कफ का संचय हो जाता है अधिक। तो वसंत ऋतु में सूर्य किरण से वो संचित कफ क्या होता है, पिघल कर होश में आ जाता है और प्रकोपित हो जाता है, एक प्रकार से प्रकोपित हो जाता है और कुछ में आ जाता है तो जठराग्नि को मंद कर देता है, ठीक है। जठराग्नि मंद होगी तो सभी प्रकार के बहुत सारे रोग हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट टाइम पढ़ते आ रहे हैं कि सिद्धांत है कि हमारे शरीर की स्वस्थता स्वस्थता सब जठराग्नि पर ही डिपेंड करती है, ठीक है। चर चिकित्सा में दिया हुआ है, ठीक है, चर चिकित्सा 15 गाड़ी में दिया हुआ है कि जो भी हमारे शरीर की स्वस्थता स्वस्थता है सब जीवन मरण सब जठराग्नि पर निर्भर है। तो इस ऋतु में हम लोग क्या करते हैं, हरितकी के साथ मधु का सेवन कराते हैं। तो उन रोगों की जठराग्नि मंद होने से होने वाले रोगों की संभावना कम हो जाती है। अब हम लोग जैसे कि जानते हैं कि हरितकी क्या होता है, कषाय रस प्रदान होता है और मधु में भी कषाय रस होता है। तो इसके अतिरिक्त क्या होता है, मधु यहाँ पे मधु क्या है, योगवाही है। तो योगवाही होने से क्या कहता है कि जिसके साथ भी मिलेगा उसके गुण को अपना लेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि हरितकी के साथ मिलकर क्या करता है, कफ का शमन कर देता है, ठीक है, क्योंकि कषाय रस क्या होता है, कफ का शामक होता है। अब हम लोग ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि स्वभावतः जो वातावरण होता है उष्ण होता है, रुक्ष होता है, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, वात का संचय होता है तथा वातावरण में अशुद्धता रहती है, ठीक है। आदान काल का सबसे अंतिम ऋतु है और सबसे कम बल होता है इसमें, ठीक है।
इस ऋतु में हर तरीके का गुड़ के साथ सेवन करने से वात की जो शांति होती है या वात की शांति में लाभ होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या होता है, गुड़ मधुर रस प्रदान होता है, ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं। तो गुड़ रस मधुर रस प्रदान होता है, तो इससे क्या होता है कि उष्णता जो कम कर देगा और बल की भी वृद्धि कर देगा, क्योंकि जो मधुर रस होता है उसका गुड़ ही है कि बल को बढ़ाता है, ठीक है, बल वल ये सब अच्छा करता है मधुर रस। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि ऋतु की क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है।